उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई। बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई। उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सख्ती से काम किया जाएगा। भारी चौकसी और पुलिस के एक्शन के बीच हल्द्वानी में हालात अब काबू में है। हिंसा में 6 उपद्रवियों की जान गई है। हिंसा की साजिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार इस ओर जो है वो अपना कार्य कर रही है और जो है इसमें सारे जितने उपद्रवी है वो कानून सलाखों के पीछे हो गए।